अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग किस तरह एक डॉलर के अंदर डोमेन बाय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग एक डॉलर के अंदर डोमेन बाय कर सकते हैं। वो कैसे करनी है वो तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। चलते हैं अपनी वीडियो की जर्नी में। आप लोगों को वीडियो के नीचे एक लिंक मिल जाएगा, आप लोगों ने उस लिंक को कॉपी करके यहाँ पर इस तरह पेस्ट कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पेस्ट करने लगा हूँ, तो यहाँ पर आप लोगों ने जैसे पेस्ट करेंगे तो आप लोगों के सामने ये साइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक कस्टमर है जिनके पास मास्टर कार्ड नहीं था, तो उन्होंने हमसे रब्ता कि सर हमें एक्स वाई जी की डोमेन चाहिए, तो हमने कहा ठीक है हम बाय करके दे देते हैं। तो यहाँ पे ये देखें दोस्तों, ये पहले ही मैंने लॉगिन किया हुआ है अकाउंट अपना। तो यहाँ पर कस्टमर के डोमेन देख लेते हैं क्या डोमेन नेम है। ये उसकी डोमेन नेम मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, उसने पेमेंट अभी जैस कैश कर दी है, तो अब मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ इसे बैक करके, क्योंकि हमें एक्स वाई जी चाहिए। तो इसे मैं चेक करता हूँ, ये अगर हमें मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती तो फिर भी हम बता देगा ये। तो यहाँ पे ये देखें दोस्तों, ये हमें मिल चुकी है। तो ये यहाँ पर डबल एक्स वाई जी आ रहा है, तो एक्स वाई जी ये खुद ही ऐड कर देगा। तो अब यहाँ पे ये देखिए, अब ये हमारा डोमेन बिल्कुल सही है। इसे मैं ऐड टू कार्ट क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें दोस्तों, ये हमारे पास कुछ है, इनका ये कह रहे हैं कि हमारा इंटरनल इशू है, वो रिसोल्व हो जाएगा। अगर आप लोगों को अपडेट वगैरह चाहिए तो देख लेते हैं, अगर हमसे बाय हो जाती तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती तो फिर भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखें दोस्तों, ये हमारे पास ये $1 की डोमेन थी, तकरीबन इसके ऊपर टैक्स वगैरह अप्लाई होके ये हमारे पास तक 1.18 बन चुकी है। ठीक है, प्रोमो कोड लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने पहले ही हमें बहुत डिस्काउंट दे दिया है। तो अब मैं जैसे इसे कन्फर्म ऑर्डर के ऊपर क्लिक करूँगा, तो अब ये यहाँ पर हमें डायरेक्ट मेन पेज के ऊपर लेके आ चुका है पेमेंट के जरिए। पेमेंट हम यहाँ पर पहले हमारे इस अकाउंट के अंदर फंड ऐड है, तो ये हमारा बकाया फंड था, मैंने सोचा इसका एक्स वाई जेड कस्टमर के लिए लेके दे देता हूँ। तो यहाँ पे ये इतना फंड है, तो हमारा ये इतना बन रहा है, तो इसे मैं नीचे कर देता हूँ अकाउंट फंड के ऊपर। जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पर, ये देखें दोस्तों ये फंड है, तो इसे मैं जैसे ही ऐड फंड के ऊपर, ये अकाउंट फंड के ऊपर क्लिक किया, अब मैं कंटिन्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखते हैं अगर ये हमारे बाय हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती तो हम फिर किसी और दिन बाय कर देंगे, क्योंकि अभी इनका कुछ इशू चल रहा है। तो ठीक है, मैं पे नाउ क्लिक करता हूँ। अभी ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर है, जैसे कंप्लीट होता है तो मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ। उम्मीद है कि आज हमारी ये डोमेन बाय हो जाएगी। तो देखते हैं अभी ये प्रोसेसिंग के अंदर जा रहा है, हमें ना थैंक यू का मैसेज आया अभी तक। तो अगर आप लोग के पास मास्टर कार्ड नहीं है तो आप लोग .com डोमेन के देखना चाहते हैं, या आप लोग .net .org किसी भी तरह का डोमेन या होस्टिंग खरीदना चाहते हैं, तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आप लोगों को सेम प्राइस के ऊपर खरीद के देंगे, लेकिन जो बैंक की फ़ीस है वो आप लोगों को पे करनी होगी। ठीक है, क्योंकि बैंक फ़ीस अपनी काटता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब पेमेंट करते हैं, तो जब बैंक फ़ीस काटते काटता है, तो इस वजह से आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना है। लेकिन मैं आप लोगों को होस्टिंगर से होस्टिंग बाय करके दे दूंगा, और नेम चिप से डोमेन बाय करके दे दूंगा। ठीक है, इससे बेनिफिट ये होता है कि आप लोगों को एक तो ये नहीं होता कि यार हमारे पास कार्ड नहीं है अब हम क्या करें, तो आप लोगों को एक बंदा इतनी फैसिलिटीज़ दे रहा है, तो आप लोगों ने इन फैसिलिटीज़ को चाहिए कि इन्हें हम अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आएँ और अपने इनसे फ़ायदा उठाएँ। यहाँ पे ये देखें दोस्तों, ये आ चुका है हमारे पास थैंक यू फॉर परचेजिंग का मैसेज। अब मैं अपने डैशबोर्ड के अंदर जाकर देख लेता हूँ ये हमारा डोमेन बाय हो चुकी है नहीं हुई, और अगर नहीं हुई तो ये देखें दोस्तों, ये हमारे पास डोमेन इजीली आ चुकी है, ये जो हमने बाय की थी ये आ चुकी है। आज 15 दिसंबर है, 15 दिसंबर को मैंने बाय की थी। और यहाँ पर ये देखें दोस्तों, एक डोमेन का ये हमारे पास बैलेंस है अभी भी, जो कि .xyz है। तो आप लोगों को ये बिल्कुल चीप रेट के अंदर मिल जाएगी, अगर जो लोग सबसे पहले ये मैसेज करेगा या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करेगा जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो आप लोगों को बिल्कुल सेम प्राइस के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, हो सकता है कि आप लोगों को बैंक की फ़ीस भी इस दफ़ा ना देनी पड़े, लेकिन सिर्फ जो इस वाले बैलेंस से बाय करेगा उसे बैंक फ़ीस नहीं देनी होगी। जो लोग अगर ये बैलेंस यूज़ हो जाता है तो फिर उसे नेक्स्ट टाइम बैंक की फ़ीस देनी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो की जानिब, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।